क्लास 9th प्रश्न दिया हुआ है, तो स्वर समीकरण कर रहे हैं ना अभी। प्रश्न दिया हुआ है, उपयुक्त स्वर समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। उपयुक्त स्वर समीकरण का प्रयोग करके प्रत्येक का क्या करना है, प्रसार करना है। प्रत्येक का क्या करना है, प्रसार करना है आपको। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है x प्लस दो वाई प्लस चार जेड का स्क्वायर, x प्लस दो वाई प्लस चार जेड का स्क्वायर दिया हुआ है। x प्लस दो वाई प्लस चार जेड का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक दो तीन, तीन संख्या है जिसका स्क्वायर करना है, तीन संख्याओं का स्क्वायर करना है। संख्या कितनी है, तीन, तीन संख्याओं का स्क्वायर करना है। कैसे करोगे तीन संख्याओं का, तो देखते पहले। जब तीन संख्याओं का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सूत्र क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जब तीन संख्याओं का स्क्वायर करना हो क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस दो वाई जेड प्लस दो एक्स जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस दो वाई जेड प्लस दो एक्स जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस दो वाई जेड प्लस दो एक्स जेड। ये कब लगाना है, जब तीन संख्याओं का वर्ग करना हो, तीन संख्या ब्रैकेट में दी हुई है उनका वर्ग करना है, तीन संख्या दी हुई है उनका वर्ग करना है। ठीक है, अब सवाल शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, x प्लस दो वाई प्लस चार जेड का होल स्क्वायर, x प्लस दो वाई प्लस चार जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या उत्तर आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस दो वाई जेड प्लस दो एक्स जेड। x की वैल्यू क्या है इसमें, x की वैल्यू x है इसमें। y की वैल्यू क्या है इसमें, y की वैल्यू 2y है इसमें। z की वैल्यू क्या है इसमें, z की वैल्यू 4z है इसमें। यहाँ x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई, x की आ गई, y की आ गई, z की आ गई। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है, x x का स्क्वायर। फिर क्या करना है, y स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है, 2y 2y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। z की वैल्यू क्या है, 4z 4z का स्क्वायर। 2 इंटू x, x की वैल्यू क्या है, x इंटू y, y की वैल्यू क्या है, 2y 2 इंटू y, y की वैल्यू क्या है, 2y इंटू z, z की वैल्यू क्या है, 4z प्लस 2 इंटू x, x की वैल्यू क्या है, x ही है, z, z की वैल्यू क्या है, 4z है। ठीक है, तो x का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर दो वाई स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर चार, जेड स्क्वायर चार का स्क्वायर कितना हो गया, सोलह, जेड का स्क्वायर क्या हो गया, जेड स्क्वायर। अब गुणा करनी है, दो को दो से गुणा करो, दो दुनी चार, चार इंटू एक्स वाई, दो को दो से किया चार, चार को चार से किया सोलह, सोलह इंटू वाई जेड प्लस दो को चार से किया आठ इंटू एक्स जेड। तब गुणा कर लो एक्स वाई और की, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर
प्लस चार वाई स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 4 इंटू एक्स वाई क्या हो गया, 4xy हो गया, 16 इंटू वाई जेड क्या हो गया, 16yz हो गया, और 8 इंटू एक्स जेड क्या हो गया, 8xz हो गया। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका ऐसा प्रश्न एक आपको मैंने दिया हुआ है, ये करके देखने अपने आप इस छोटा प्रश्न करते हैं, जिससे मान लो आपके आ गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने कराया आपको, यहाँ तीन संख्या का वर्ग करना था और यहाँ पर क्या है, अब दो संख्या का वर्ग करना है। कितनी संख्या है यहाँ पे, तीन संख्या, यहाँ कितनी संख्या है, दो संख्या का वर्ग करना है। कैसे करो दो का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब तीन संख्या का वर्ग हो तो कैसे करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई प्लस दो वाई जेड प्लस दो एक्स जेड। जैसे दो संख्या का वर्ग है कैसे करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3y है, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y है। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2x, 2x का स्क्वायर, 2 इंटू ए, ए 2x इंटू बी 3y, बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 इंटू एक्स वाई, 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ये इसका आंसर। ये तीन संख्या का स्क्वायर हो गया और ये दो संख्या का स्क्वायर हो गया। स्वरत समीकरण का प्रयोग करके अपने इसको हल किया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।